मध्य प्रदेश की राज्यपाल महामहिम आनंदीबेन पटेल का नगर आगमन हुआ। समाज सेवा में दिलचस्पी रखने वाली आनंदीबेन इंदौर के प्रकाश नगर स्थित हेलन केयर दृष्टिहीन हाई स्कूल पहुंची। यहां मध्य प्रदेश दृष्टिहीन कल्याण संघ की बैठक में राज्यपाल ने दृष्टिहीन बच्चों से चर्चा करते हुए इनसे समस्याएं पूछी। गौरतलब है कि इससे पहले भी राज्यपाल ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को अनियमितताओं के चलते फटकार लगाई थी और खुद का कैलेंडर बनाने के लिए कहा था। राज्यपाल महोदया को हमने ये बताया कि मैडम हमारे लिए जो ट्रेनिंग यहाँ पर चलाई जाती हैं उनकी ना ही मार्केट में कोई मांग है और उन्हें हमें करना पड़ रहा है, लेकिन उसके अंदर ना ही हमारा कोई फ्यूचर है, ना ही इस पर मैनेजमेंट कोई ध्यान दे पा रहा है। मैनेजमेंट को जब ये कहा जाता है तो वो कहते हैं कि हमारे पास संसाधनों की कमी, हमारे पास जो है वो हम यही कर सकते हैं। उसके पश्चात जिस तरह की घटना हुई थी इसके विषय में भी हमने कोशिश की महोदया को बताने की कि इस तरह की घटनाएं ना हो, क्योंकि इससे पूर्व में भी हमने प्रशासन स्तर पर कई समय पर समय समय पर ज्ञापन देते रहे हैं कि हमारी इन समस्याओं पर ध्यान दिया जाए। हमारी समस्या है कि हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर में हमें कंप्यूटर का प्रशिक्षण जो जिस तरह से दिया जाना चाहिए आज के आधुनिक युग की मांग के अनुसार वो नहीं मिल पा रहा है, और जिन ट्रेनिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है उनकी मार्केट में मांग नहीं है। और हमने कहा था कि हमारे एजुकेशन को स्तर को सुधारने के लिए प्रयास किए जाए। हाँ, ये यहाँ पर शिकायत आई थी, इसी संस्था का हेड ऑफिस चलता है किला मैदान में, जहाँ पर इससे पूर्व में भी कुछ घटनाएं हुई थी और यहाँ पर भी होती रही, लेकिन हमारी लिखित व मौखिक रूप से अवगत कराने पर भी ध्यान ना दिया गया, जिसका ये परिणाम आज इतने बड़े हादसे के रूप में सामने आया। जी, कई बार तमाम व्यवस्थाएं जितनी भी यहाँ पर दुरुस्त खराब है, यहाँ पर तो 24 घंटे के लिए वार्डन है, लेकिन हमारे यहाँ पर कोई 24 घंटे के लिए वार्डन नहीं है। कई दफे तो ये मौके आते हैं कि हम लोग रात के 2:30-3 बजे भी हमारे साथियों को अस्पताल लेकर हमें जाना पड़ता है, तो हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर ये होना चाहिए कि वार्डन की व्यवस्था हमें मिले, ताकि क्योंकि कई बार अस्पताल वाले कहते हैं भैया इनकी रिस्क कौन लेगा, तो हमारे समक्ष चुनौती हो जाती है। चुने कही है, इसमें कुछ हद तक सत्यता है, क्योंकि अभी हमारी जो आज कार्यकारिणी की मीटिंग हुई है ये बड़ा सौभाग्य संस्था के लिए है कि राज्यपाल महोदय हमारी मुख्य संरक्षक की संस्था की, और उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पर आज संस्था की मीटिंग ली है। निश्चित ही आज जो हमारे संस्था के जितने प्रॉब्लम्स हैं वो उसको लेके शासन स्तर पे बात की जाएगी, हमारी मीटिंग शासन स्तर पे सचिव और मंत्री महोदय से कराई जाएगी, और उसमें कई जो मुद्दे हैं उसमें एक मुख्य मुद्दा ये भी है कि हमारे लगभग टीचर्स के, वार्डन के हमारे कई पद कई सालों से खाली हैं जो भरे नहीं गए हैं। अब जो किला मैदान की आप बात कर रहे हैं वहाँ हमारा वार्डन का पद पिछले 8 साल से खाली है, अब जब वार्डन का पद नहीं है हमारे 12 पद वहाँ खाली पड़े हैं, तो आप अपेक्षा कैसे कर सकते हैं, क्या संस्था के लोग वहाँ जाके तो रह नहीं सकते अध्यक्ष महोदय या सचिव महोदय। फिर भी हम लोग कोशिश प्राइवेट हमने गार्ड रख के जितनी हम कोशिश कर पा रहे हैं हम कर पाते हैं और हम पूरा करते हैं, और बच्चों की जहाँ तक समस्या का सवाल है मैं खुद बच्चों से हर महीने मिलता हूँ, उनसे कहता हूँ आइए, मैंने पिछले 6 महीने पहले पर्सनली डेवलपमेंट के कोर्सेस लगाए, कुछ हमने उनके कोर्सेस कराए सारे इंग्लिश के, कंप्यूटर के कोर्सेस, मगर क्या होता है कि कुछ वहाँ पे ग्रुपिज्म टाइप मुझे लगता है ऐसा बन गया है, जो कुछ 2-3 चंद बच्चे जो हैं वो सबको मिसगाइड कर रहे हैं। क्योंकि आज मैं बताइए कि आज मैं इंदौर में इतनी संस्थाओं में काम करता हूँ, मैं क्यों आ रहा हूँ कि आखिर दिव्यांग बच्चे हमारे परिवार के ही हैं, किसी न किसी परिवार के हैं, हम इनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ें। अच्छा, दूसरी बात खाने